हेलो क्लास, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी नंबर वन, इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर देन वी गेट जीरो। इट मीन्स अगर दो इक्वल नंबर हो और इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जीरो होता है। इजी है ना बच्चों? दो इक्वल नंबर है, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? जीरो। दो इक्वल नंबर है, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? जीरो। अगर दो इक्वल नंबर है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो है, ठीक है। इफ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम अ लार्जर होल नंबर देन वी गेट अ होल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर वन में, ये प्रॉपर्टी नंबर वन की ए है, प्रॉपर्टी नंबर वन में बी भी है आपका सेकेंड। अगर जो है स्मॉलर ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आपका डिफरेंस आता है, जो रिजल्ट आता है आपका, वो भी आपका होल नंबर होगा, ठीक है। जब हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आपका होल नंबर होता है, ठीक है। इफ वी सब्ट्रैक्ट लार्जर होल नंबर फ्रॉम स्मॉलर वन देन द नंबर वी गेट इज नॉट अ होल नंबर। अगर हम स्मॉलर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो आपका आंसर आया माइनस टू, ये आपका होल नंबर नहीं है। ये आगे की क्लास में आपको पढ़ेंगे कि ये माइनस टू कौन सा नंबर है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका माइनस लग गया, यानी कि ये होल नंबर नहीं है। ये आपका जीरो से भी छोटा है और होल नंबर जीरो से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। ये आपका होल नंबर नहीं है। तो इसमें हमने पढ़ा कि अगर सेम नंबर है, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट आता है जीरो। अगर लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो होल नंबर आता है। अगर स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो होल नंबर नहीं आता है, ठीक। प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू है द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर इज नॉट इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ सेम नंबर आफ्टर चेंजिंग देयर प्लेस। इट मीन अगर जैसे हमने एडिशन में कहा कि इसका प्लेस चेंज कर दें, जैसे कि आपने कहा 3 + 5 इज इक्वल टू, इनका प्लेस चेंज कर दे, 5 पहले लिख दे और 3 बाद में लिख दे, तो ये जो रिजल्ट आएगा तो इक्वल होगा, इसलिए आप इक्वल का निशान लगाए, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में अगर ये किया जाए, या अगर ये सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन ना हो, तो ये जो आपका आएगा, ये हम सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए 3 - 5 आता है -2 और 5 - 3 आता है आपका 2। ये दोनों इक्वल नहीं हुए, ये -2 है और ये 2 है, ये इक्वल नहीं है। यानी कि जब हम इंटरचेंज कर देते हैं उनके प्लेस को तो जो रिजल्ट आता है वो सेम नहीं होता है, ओके। लेकिन अगर ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है, जैसे कि आपका नंबर सेम है, यानी कि 5 - 5 है इज इक्वल टू, अगर इनको 5 को 5 कर, यहाँ ये वाला 5 इधर कर दे, ये वाला 5 इधर कर दे, तो ये आपका 0 लिया है, 0 लिया है, तो ये आपका सेम रहेगा अगर ये दोनों इक्वल है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, ये आपका अलग है, तो सेम आंसर नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या था? द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ सेम नंबर आफ्टर चेंजिंग देयर प्लेसेस। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है आपका, इफ वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी होल नंबर देन रिजल्ट इज नंबर 8 6। अगर आप किसी भी होल नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो
जैसे 6 मिनट में मैंने 0 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट क्या आया 6 आया। चाहे वो जितनी भी बड़ी आपके बड़े नंबर हो वही नंबर है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 में है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी होल नंबर, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी होल नंबर देन रिजल्टेंट इज नंबर 8। बट सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। जैसे कि अगर हमने 0 से कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये नॉट डिफाइंड। प्रॉपर्टी नंबर 4, द एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर। एसोसिएटिव लॉ क्या था आपका? एसोसिएटिव लॉ आपका क्या था कि हम जैसे 3 आपके होल नंबर से पहले से गैस ये था आपका, तो चाहे इससे ऐड करें पहले 3 से हम ऐड करें या इससे बाहर करके ऐसे करें, ये एसोसिएटिव था लॉ था। लेकिन अगर ये सब्ट्रैक्शन में अगर इसे फॉलो करना है तो ये आपका फॉलो नहीं होगा। ये इक्वल नहीं था, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी 5, if we subtract two whole numbers then the sum of resultant and the smaller whole number is equal to larger whole number. If we subtract two whole numbers means ki agar hum do whole number ko subtract theek hai to kya aata hai, 6 minus 3 is equal to means agar aap solve kar lete 6 minus 4 is equal to wo aa gaya, theek hai। If we subtract two whole number then the sum रिजल्टेंट, अब सम ऑफ रिजल्टेंट एंड स्मॉलर होल नंबर, इसमें सम ऑफ रिजल्टेंट और स्मॉलर होल नंबर क्या है, रिजल्टेंट 2 है स्मॉलर होल नंबर 4 है, इनको सम करते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका जो ग्रेटर नंबर है वो इसके बराबर होगा 6, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो और जो स्मॉलर वाला होल नंबर है वो उन दोनों का सम मींस ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर वाला नंबर होगा। यानी कि अगर कोई भी आप नंबर ले लीजिए 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, अब ये आपका रिजल्टेंट है 5, स्मॉलर क्या है 3, इन दोनों को हम ऐड किया तो सम कितना आएगा 8, यानी कि ये सम क्या आएगा, ये ग्रेटर, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 था। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 1 में 3 पार्ट थे, एक तो था इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर देन वी गेट 0, सेकेंड था आपका इफ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम अ लार्जर होल नंबर देन वी गेट अ होल नंबर, थर्ड था इफ वी सब्ट्रैक्ट लार्जर होल नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर वन देन द नंबर वी गेट इज नॉट अ होल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर इज नॉट इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ सेम नंबर आफ्टर चेंजिंग देयर प्लेस। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी होल नंबर देन रिजल्टेड इज नंबर 8, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 0 इज नॉट डिफाइंड। प्रॉपर्टी नंबर 4, द एसोसिएटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स देन द सम ऑफ रिजल्टेंट एंड स्मॉलर होल नंबर इज इक्वल टू लार्जर होल नंबर। एक बार इसे अपने आप से खूब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है, वो हम शुरू से करते आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन, बस
ये वही है, बस उनका नाम अलग अलग हो गया है। इनका नाम याद रखना है कि एसोसिएटिव लॉ क्या है, कम्युटेटिव लॉ क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, ठीक है। बाकी वो सारी चीज़ें वही है जो हम करते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर इज ऑलवेज द होल नंबर। मीन्स कि अगर जब हमने होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया कोई भी, मल्टीप्लाई किया अगर किसी भी होल नंबर का, प्रॉपर्टी नंबर वन, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया वो आपका होल नंबर ही रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर टू, द प्रोडक्ट रिमेन द सेम इन व्हाट एवर ऑर्डर वी मल्टीप्लाई एंड टू होल नंबर। जिस तरह से हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में देखा था कि हमने ऑर्डर अगर चेंज कर दिया, यानी कि 3 को पहले 5 को बाद में लिख दिया, तो ये आपका रिजल्ट जो होगा वो सेम है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में भी आपका क्या है कि ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम है। तो जो हमने पढ़ा था एडिशन में, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम था बच्चों? जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम ऑर्डर जो चेंज करके जो हम बोलते हैं उसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से जो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है, जिस तरह से एडिशन में होता है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है आपका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही थी? नहीं कर रही थी। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाता तो ये इक्वली होता, ये इक्वल नॉट इक्वल होता, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर में क्या था? ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, इफ एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो देन इज प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी, ये बहुत ही काम की है प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी होल नंबर से, किसी भी होल नंबर, चाहे वो चाहे जितना हो, लाख हो या छोटा हो कोई बड़ा हो, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा जीरो ही है। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा काम आती है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी होल नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है उसको, जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर, और ये ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फोर। एनी होल नंबर इन मल्टीप्लाइड बाई वन गेट वी गेट द सेम नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी नंबर में हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर होता है वही आ जाता है, ठीक है। किसी भी होल नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर उसका आंसर होता है, ठीक, वही उसका होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव
आइडेंटिटी क्या है, वन, इसे हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये किसी भी नंबर के साथ हमेशा ये जुड़ा रहता है। अगर हम कोई भी नंबर लिखे 54, इट मीन 54 × 1, ठीक है। हम लिखते हैं अगर 23, इट मीन्स 23 × 1, ये हमेशा वन इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसे हमें लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से कहते हैं, और ये हमेशा एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम किसी भी होल नंबर में वन से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद आ जाता है, इसका प्रोडक्ट भी वही निकल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी थ्री होल नंबर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम इन स्पाइट ऑफ दी इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह से हमने एडिशन में पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, उसी तरह से आपका मल्टीप्लीकेशन में है। ज़्यादातर आपके एडिशन वाली ही प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी लगता है, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो आपका एडिशन ही होता है, बट वो रिपीटेड होता है। जो बार बार एडिशन करते हैं वही मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इसलिए वो सारी प्रॉपर्टीज जो होती है एडिशन की वो मल्टीप्लीकेशन में भी हम फॉलो करते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी 5 है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन एडिशन वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, अगर 3 से 2 से ज्यादा आपके होल नंबर में, जैसे 5 है, ठीक है, 8 है, 9 है, तो अगर हम इससे चाहे तो ये ग्रुप बना के ऐड करें, या हम इस ग्रुप को बना के इस ग्रुप में ऐड करें, तब भी आपका आंसर सेम है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में अगर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो भी हमारा आंसर सेम होगा। मीन्स कि अगर हम 5 और 8 को पहले मल्टीप्लाई करें फिर जिसका रिजल्ट आए तो 9 को मल्टीप्लाई करें, या 5 को 8, 9 को पहले मल्टीप्लाई करें जिसका रिजल्ट आए उसको फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है, पहला तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन में भी हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर हम जो है किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा होल नंबर ही रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें है कि अगर आपका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो भी आपका आंसर सेम रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपका है कि अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी होल नंबर को तो उसका प्रोडक्ट 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपका है अगर हम किसी भी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद उसका प्रोडक्ट होता है, इसको एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपका अगर हम इंटरचेंज करके ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो सेम रहेगा, चाहे तो हम कोई भी ग्रुप बना के आप मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा सेम आता है। आज हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आज हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरीफाई फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक्सरसाइज है, इसमें आपको वेरीफाई करना है 621 -121। इसलिए हम करेंगे, और फिर हम ये ग्रुप बनाए 422 -121, और एक ग्रुप हम ये बनाते हैं 621 -122 और -121।
अब हम ये देखते हैं कि क्या इसका आंसर और ये इसका आंसर क्या सेम आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका यूज होता है? ये आप खुद करेंगे, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से देखेंगे कि क्या ये आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है? यही आपको वेरीफाई करना है। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? ये आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी है और ये इसमें सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती, इसलिए आंसर सेम नहीं आएगा। आप करिएगा और देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन रिलेशन द रिजल्ट विल बी प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या है? प्रॉपर्टी 5 आपकी है कि अगर हम किसी होल नंबर, किसी ग्रेटर होल नंबर में से स्मॉलर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 5 सब्ट्रैक्शन की क्या थी कि अगर हम किसी भी ग्रेटर होल नंबर को किसी स्मॉलर होल नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आता है, ठीक है? इसके रिजल्ट को स्मॉलर से हम ऐड कर दें तो फिर वो ग्रेटर नंबर बन जाए, ठीक है? यही था ना। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, आपको क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इस प्रॉपर्टी को चेक करना है, ठीक? क्वेश्चन नंबर देखिए 427 माइनस 126, इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें आएगा 301। अब ये 301 जो रिजल्ट आया है इसका, इसमें जो स्मॉलर है, कौन सा स्मॉलर है? 126, इसको ऐड करते हैं 427 आ गया ये, यानी कि ये आपकी क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का सारा करेंगे और इस तरह से दो स्टेप में आपका पता चल जाएगा कि आपका ये प्रॉपर्टी नंबर 5 फॉलो करता है। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्टेट द प्रॉपर्टी। इसमें आपका ये आपका नाम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन है इसके अंदर, ठीक है? इस प्रॉपर्टी का क्या नाम? देखिए बच्चों, ये आपका 22 है, ये 27 है, इधर आपका 27 है, ये 22, यानी कि ऑर्डर चेंज हो गया है। ऑर्डर इसमें चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके? अब इसी तरह से आपके जो भी नाम है बी में, सी में, डी में, वो सब आपको लिखना है ये करके, ठीक है? आगे आपको जो नाम है आपको वो नाम लिखना कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ओके? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। ये बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है और फाइंड करना है प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले फोर डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर ये हम देखेंगे। लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए, ठीक है, क्या होता है? 9 यूज किया जाता है, कितने टाइम, जितने जितने डिजिट का बनाना है वो 4 टाइम यूज करेंगे हम। ये आपका लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर है 9999, ठीक है? अब इसमें आपको लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है। अब लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर आपको लिखना है, लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए 9 के यूज करते हैं और वो जितने का होता है, जितने डिजिट का उतने का करके लिख दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये कितना बना? 9,99,999। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है। अब हम इसके ऊपर नीचे लिख के आप 9,981 करके ऐसे लिखें, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें कैसे करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आपका इसका प्रोडक्ट हमें निकालना है, ये डिजिट है और ये आपका
ले लीजिए, ठीक है। ये आपका जो स्मॉलर वाला है इसमें हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और इसको हम लिखते हैं, ये आपका सिक्स है तो सेवन डिजिट, ठीक है, माइनस वन। अगर हम ये करते हैं तो ये आपका सेवन डिजिट के स्मॉलर नंबर में से वन घटाएंगे तो हम सिक्स डिजिट के लार्ज नंबर को हम लार्जेस्ट नंबर को हम पाएंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, ओके। अब क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये इनको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माइनस, अब ये इनके साथ करते हैं, पहले इनके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक, इनके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब जीरो वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही नंबर जीरो आगे बढ़ जाता है, ये फोर नाइन है, वन 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 टू थ्री फोर, इसके आगे कितने जीरो आगे हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और जब हम किसी भी होल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था। अब ये इजी हो गया, इसको और इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या तो फिर कैसे आ गया, या जीरो में से लाएंगे बचा वन, ये नाइन हो गया, नाइन में से लाएंगे जीरो, ये नाइन हो गया, ये नाइन में से लाएंगे जीरो, ये नाइन में से लाएंगे जीरो, ठीक है। ये क्या था आपको, ये नाइन है, ये क्या है नाइन, ये आपका एट, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, इसको मैं इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं किया जो ट्रेडिशनल मेथड है मल्टीप्लाई का, इससे मैं कैसे मल्टीप्लाई किया, इसे स्टेटिक लॉ यूज करते हुए। इसमें क्या किया हमने, पहले जो स्मॉलर वाला है इसको यहाँ लिख दिया, और जो लार्जेस्ट वाला है उसको हमने इस रूप में इसको लिख दिया, ठीक है। और फिर इसको एसोसिएशन में हमने क्या किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसे लिख दिया और फिर इसे सब, ठीक है। अब ये जो है आपका क्वेश्चन है इसकी होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 15 है, इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड होल नंबर्स इज ऑड, क्या दो ऑड नंबर, दो ऑड होल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ऑड होता है, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, थ्री फाइव फिफ्टी, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है, सेवन टू ट्वेंटी वन, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, ठीक है। यानी कि दो और दो और होल नंबर का प्रोडक्ट भी ऑड ही होता है, ठीक है। इज इट ट्रू फॉर एनी टू ऑड होल नंबर, यस इज इट ट्रू, ठीक है, सभी टू ऑड होल नंबर से ये सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए फिर, अब हमें फाइंड द प्रोडक्ट, ये जो फाइंड करना है प्रोडक्ट आपका 16, देखो गौर से देखिएगा कि ये सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट नहीं निकालेगा जो हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके ठीक इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका करना है, इसे हम अगले क्लास में समझाएंगे, ठीक है। जो पिछला बटन बताया चुका है उसको कॉपी में करके आप लोग अपने इसको कॉपी किया जो है फोटो खींच के आप ग्रुप पे डालिए, लिखना चाहते हैं कि आपको काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी अगली क्लास में, ओके बाय बच्चों।